पानी, मेरे वास्ते एक ताकत है पानी, हिकायत है पानी, मोहब्बत है पानी। अगर आलमी तौर पर इसको देखे, अगर आलमी तौर पर इसको बताऊं मैं कैसे, कलम मेरा काजी, जुबान मेरी आजीज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे, वो महबूब रब है इमाम। अपने जो एक प्रेशियस रिसोर्स हमारे पास है, जो हमारे पास एक प्रेशियस है, एंड इट इज एज प्रेशियस एज गोल्ड इज प्रेशियस, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा, कि वालेकुम, मैं खुशबू अमजद ड्रीम वैली स्कूल टंगडार से मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि पानी गंदा ना करें, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। और इस दुनिया में कम से कम 2 मिलियन लोग होंगे जो गंदा पानी पीते हैं। ये पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, पानी हर एक जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने स्कूल में वर्ल्ड वाटर डे मनाया, जिसमें हमने पानी के बारे में पानी की अहमियत और के बारे में जानकारी दी कि पानी गंदा ना करें। और इसके अलावा हमारा जो स्कूल का टाइम टेबल रहता है वो यही रहता है कि जो वर्ल्ड के कुछ चीज़ें हैं, जो क्राइसिस हैं, जो वर्ल्ड वाइडली हैं, जैसे कि वाटर डे है, सोयल कंजर्वेशन डे है, इन्वायरमेंट डे है, तो वाटर एक हमारा प्रेशियस रिसोर्स है। तो अगर हम इसको ज़ाया करेंगे, ऐसे ही पानी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कल आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ नहीं बचा रहेगा। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमें पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंदा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गंदा पानी से उनकी जो है बीमार पड़ते हैं और हेल्थ हाइजीनिक ठीक नहीं रहती है। तो और ये हमें ये भी सोचना है कि जो हमारे ये चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स भी आने की, सोइल इरोजन हो रहा है, पानी का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स को सही मकदार में पानी में नहीं मिलता है। अगर यही चीज़ें रहीं तो बहुत कम टाइम होगा कि हमारे पास ये प्रेशियस रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं रहेगा। सो मैसेज है पब्लिक को, हमें पानी भी गंदा नहीं करना चाहिए, इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह का जो हदीस भी है कि हमें पानी का सही इस्तेमाल करना